हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर उपाध्याय एंड आई एम योर मेंटर फॉर सीयूईटी। जैसा कि आप सबको पता है कि सीयूटी का जो रिजल्ट है 2023 का, वो अनाउंस हो गया है एंड सुपर ग्रेड्स के बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं अंशिका का, हु हैव परफॉर्म फैंटेस्टिकली इन हर सीयूटी टेस्ट 2023। सो वी हैव अंशिका विद अस। हाय अंशिका, हेलो सर, हाउ आर यू बच्चे? गुड। ओके, तो मतलब अंशिका के चेहरे की स्माइल से ही आपको पता लग रहा होगा कि वो कितनी ज्यादा खुश है। तो अंशिका, आप तो बहुत खुश हो मुझे दिख रहा है। हाउ इज योर पेरेंट्स, आपके घर पे कैसा माहौल है? एवरीवन इज वेरी हैप्पी और उन्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ओके ओके, मम्मी पापा सब बहुत खुश है ना? यस ओके सर, आपका आपके घर पे कोई आपका सिबलिंग है? बड़ा भाई। ओके आपके बड़े भाई है। ओके उन्हें Yes. कैसा लगा जब आपका रिजल्ट आया तो? So he is also very proud of me. ओके दैट्स फाइन बच्चे, दैट्स फाइन। तो आज का इंटरव्यू कंडक्ट करने के पीछे थोड़ा सा हमारे रीजनिंग यही है कि जो बच्चे, यू आर वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ 2023 सीयूटी एग्जामिनेशन, तो जो बच्चे ये एग्जामिनेशन 24 में या 25 में अपीयर करेंगे, उन बच्चों को आपके जो भी साल भर की लर्निंग्स हुई है, उन लर्निंग से उनको हेल्प मिल सके। इसलिए ये मैं आज ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अंशिका, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होगा कि सीयूटी, इसका इंसेप्शन बहुत रिसेंटली हुआ था, लेकिन यस 2022 ओनली सीयूटी का एग्जाम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड आपने अपनी जो प्रिपरेशन थी सीयूटी की वो कब से स्टार्ट की थी? सर, शुरू से ही मेरे को मतलब डीयू जाना था। तो फिर जब 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ सीओईटी, तो उस समय मेरे को पता चला कि ये एग्जाम है जो देना पड़ेगा। तो जब मैं 11th क्लास में थी तब मुझे ये पता चला। ठीक फिर है। जब 12th में गई तो मैंने सोचा था कि 12th से तैयारी स्टार्ट कर दूंगी, पर बोर्ड्स के प्रिपरेशन के साथ वो मतलब सीयूईटी नहीं हो पाया। और सीयूईटी की मतलब बोर्ड्स की तैयारी करेंगे तभी आप सीयूईटी का तैयारी हो सकता है। तो तो मैंने आपने बोर्ड्स के कंबाइंड साथ तरह तैयारी की किया, थी? और जब लास्ट के बोर्ड्स खत्म हुए और 1-2 महीने बचे, तो मैंने 4-5 आवर्स मैंने हर दिन की देती थी मैं, और वो सीयूईटी के फुल प्रेप फिर स्टार्ट किया था। फिर वहां से आपने अपनी जो पूरी प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट की, ठीक है। ओके बच्चे, सो बच्चे आपकी स्ट्रीम क्या है सीयूटी एग्जाम में, कौन सर सी स्ट्रीम से? ह्यूमैनिटी कौन कौन से ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से और उसमें? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। तो मतलब क्वाइट एग्जामिनेशन, मतलब काफी हैवी हैवी एग्जामिनेशंस आप देखे और स्कोर तक आए। बच्चे व्हाट्स योर स्कोर, आपका स्कोर कितना है सीयूटी में जो फाइनल अभी आंसर रिजल्ट आया है? नॉर्मलाइज सर 787.2 out of 800। 787.2 आउट ऑफ 200। एंड व्हाट आर योर ड्रीम कॉलेज, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज? ऑफ कोर्स डीयू ही होगा यूनिवर्सिटी, पर यस उस समय कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका? सर, हिंदू कॉलेज और मिरांडा हाउस। हिंदू कॉलेज एंड मिरांडा हाउस। एंड आप कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हो? पॉलिटिकल सर पॉलिटिकल साइंस। साइंस। और के मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपकी बाद में आफ्टर 3 इयर्स योर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स विल बी ऑन यूपीएससी आई थिंक। यस यस सर, डेफिनेट। ओके दैट्स परफेक्ट बच्चे, दैट्स परफेक्ट। तो बच्चे टेल मी हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, पूरी ओवरऑल जर्नी कैसे आपने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको स्टार्ट किया था? तो स्टार्टिंग में मैं ज्यादा बोर्ड्स की तरफ इंक्लाइन थी। फिर जब सितंबर अक्टूबर आया तब फिर मैंने सीयूईटी के भी प्रेप स्टार्ट किए, बट मेन प्रिपरेशन बोर्ड्स के बाद ही किया मैंने। ओके मेजॉरिटी आपकी प्रिपरेशन, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जब आप मतलब अक्टूबर से लेके जैन तक का जो टाइम रहा होगा वहां पे आपने कंबाइंड पढ़ाई की पूरी, बोर्ड्स की एंड सीयूटी की, बिकॉज क्यूमुलेटिव ही पढ़ाई होती है दोनों। यस सर। सो जो चैप्टर बोर्ड्स में आ रहे हैं वो तो मतलब बोर्ड्स के साथ साथ वो हो रहा है, लेकिन जैसे ही बोर्ड्स खत्म होता है तो फिर जो चैप्टर्स बोर्ड्स में नहीं आ रहे थे मैंने उस पर फिर ध्यान दिया। एंड ठीक है, डोमेन की तो बात हो गई, सेक्शन टू डोमेन वाला जो था वो आप बोर्ड्स के साथ आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्यूमुलेटिव तैयारी कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट योर लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अक्सर फंसते हुए सीयूटी में नजर आ रहे हैं उनके लैंग्वेज में, सेक्शन 1 में और सेक्शन 3 में। लैंग्वेज के लिए और जनरल टेस्ट के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कैसे प्रिपेयर किया इन दोनों? जनरल टेस्ट मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि मेरा क्लियर था कि मेरे को डीयू ही जाना है। तो जनरल टेस्ट मैंने बस जाकर एग्जाम दिया था। ठीक है लैंग्वेज प्रिपेयर के लिए मैंने वही बोर्ड्स के बाद ही मैंने स्टार्ट किया, पर वो मैं अब रिग्रेट करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो आपके थोड़े से मतलब जो थोड़े से मार्क्स जो
कट गए, वो थोड़े से और बढ़ जाते हैं आपके। यस ओके, सर, नो इश्यूज बच्चे, मतलब अब 787 इज क्वाइट गुड स्कोर, एंड आई एम श्योर आपको मतलब डेफिनेटली मिरांडा या फिर हिंदू दोनों में से कोई एक कॉलेज ऑफ कोर्स यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। सो बच्चे, आपने मुझे यहाँ पे अंशिका बताया कि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड देन उसके बाद आप सीयूटी पे जंप किए, बट जैसा कि हम सबको पता ही है कि बोर्ड्स की तैयारी और सीयूटी की जो तैयारी है वो थोड़ी सी अलग होती है, डिफरेंट होती है यहाँ पे। यस तो सर, इन बोर्ड्स आपको यहाँ पे आपका जो पूरा पेपर होता है वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, वहां पे यस आपको 3 घंटे में जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा उसके पूरे आंसर्स लिखने होते हैं। बट व्हेन वी यस कम्स टू सीयूईटी, यहाँ पे जो पूरा पैटर्न है वो 360 डिग्री चेंज हो जाता है। लाइक यहाँ पे सब कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, आपको एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है और उनको उसमें से आपको आंसर करना है। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन था, ये ट्रांजिशन आपने कैसे किया फिर? सर बोर्ड्स के बाद ही मैंने किया। ओके पहले मैंने वो चैप्टर्स, जैसे कि मैंने बताया कि पहले मैंने वो चैप्टर्स किए जो बोर्ड्स में नहीं थे, फिर मैंने फिर से एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट की। मैंने 2 या 3 से ज्यादा ही एनसीईआरटी रीडिंग बोर्ड्स के बाद की, वो चैप्टर ओके जो पहले ओके मैंने कर चुके थे। और फिर जब 2 रीडिंग हो चुके थे बोर्ड मतलब एनसीईआरटी के, तो मैंने एक चैप्टर के एक एक नोट्स, मतलब एक पेज में मैं एक चैप्टर के नोट्स बनाती थी। मेरे पास वो है भी, वो मैं ओके दिखा सकती हूँ। आई अरे डोंट नो दैट्स इफ इट्स ग्रेट, विजिबल, नॉट तो दैट विजिबल, बट मतलब आपकी जो मेहनत है वो विजिबल है बिल्कुल यहाँ पे, मतलब जैसे तो मैंने इतनी। हर चैप्टर, हर डोमेन में मैंने यही किया। ओके हर चैप्टर के एक एक पेज में ही जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने लिख दिया। और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने एसएसएम से किया था, ओके और जो फिर सुपर तो ग्रेड्स की जो एसएसएमस यस होंगी। ओके सर, ओके बच्चे और फिर टेस्ट सीरीज मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर, मतलब लास्ट 10 डेज में मैंने टेस्ट पेपर ज्यादा लगाए। ओके ओके और फिर अभिषेक पांडे सर की मैं गेस्ट पेपर सीरीज देखती थी, तो वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। अभिषेक पांडे सर, सबकी फेवरेट अभिषेक पांडे सर, हमारे यस ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के एचओडी। सो बहुत सारे बच्चे ने उनका बहुत बड़ाई की है, मतलब दे आर प्रेजिंग हिम कि मतलब सर उन्होंने बहुत हेल्प करवाई है। सो सर, कुडोस टू हिम। गेस्ट पेपर वाज मतलब गेम चेंजिंग। वो मतलब इतना सारा क्वेश्चंस उसी से आया, हाँ मतलब वी आर सो थैंकफुल टू अभिषेक सर। ओके दैट्स वंडरफुल बच्चे, दैट्स वंडरफुल। ओके बट यू हैव मेंशनड द मॉक टेस्ट, ठीक है, जो हमारी मॉक सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, अस्त्र टेस्ट सीरीज। प्लीज यस क्या थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे कि हाउ दी अस्त्र टेस्ट सीरीज, हाउ इट हेल्प यू, इसने आपकी अस्त्र टेस्ट सीरीज ने आपकी कैसे हेल्प की? सर, टेस्ट सीरीज देने का मतलब मेरा तो, मैंने जब प्रिपरेशन शुरू किया था तब मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगा रही थी, ओके पर मेरा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ मैंने टेस्ट सीरीज पे जंप किया। और ओके मेरे ओके मार्क्स स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे थे, 122, 142 हाँ बहुत ही खराब आ रहे थे, लेकिन फिर इम्प्रूव हुए धीरे धीरे। 170s पे पहुंचे, फिर 190s, फिर फुल भी आए, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि मेहनत अब मतलब स्कोर्स बढ़ रहे हैं मेहनत के कारण। और फिर यही है कि मतलब गलती पता चलती है कि कहाँ पे गलती हो ऑफ रही है कोर्स हमसे, ऑफ कोर्स। तो उसमें बहुत। तो यहाँ पे मतलब आप बता रहे हो मतलब अस्त्र टेस्ट सीरीज जो उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने डिवाइस किया हुआ है, तो मतलब आप तो यहाँ पे टॉपर हो, तो आपने यहाँ पे बोला कि मैंने एंड में लगाया, बट मैं यहाँ पे फिर भी और जो दूसरे बच्चे हैं जिनको मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ कि अस्त्र टेस्ट सीरीज अगर आप उनको हर वीक में एक ही टेस्ट होता है हमारा और डोमेन सब्जेक्ट का, तो अगर आप उन्हें क्यूमुलेटिवली लगाते जाएंगे अलॉन्ग विथ योर क्लासेस रिकॉर्डिंग्स एंड अस्त्र टेस्ट सीरीज, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाहर कुछ भी आएगा, बिकॉज देर यस आर सर, मोर देन 55+ टेस्ट इन ईच डोमेन सब्जेक्ट विच वी आर गिविंग, यस सर, एंड काफी हेल्पफुल। एंड बहुत सारे बच्चों ने ये चीज बताई कि सर एंड में तो सिर्फ अस्त्र टेस्ट सीरीज ही लगा लोगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यस सर, अस्त्र टेस्ट सीरीज एंड गेस्ट पेपर इनफ है। ओके अस्त्र टेस्ट सीरीज एंड गेस्ट पेपर गाइस। सो यहाँ पे अंशिका थोड़ा सा ज्ञान बट रहा है, प्लीज उसे ले लेना है। ओके ओके अंशिका ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारी चीजें बताई अंशिका, तो प्लीज एक लास्टली आप थोड़ा सा हम अपना भी वो करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि हाउ सुपर ग्रेड्स हेल्प यू इन योर ओवरऑल सीयूईटी प्रिपरेशन। तो ओवरऑल सर, एमसीक्यूज में तो मतलब एमसी मतलब सब्जेक्टिव से एमसीक्यू में स्विच करना एसएसएम की वजह से ही हो पाया है। टॉपिक वाइज पहले मैंने उसे लगाए, फिर उसका पूरा होल लगाया, तो वो सब बहुत हेल्प हुआ है एमसीक्यू में। ओके फिर मुझे कभी भी डाउट होता था तो वो डीसीजी ग्रुप में मैं तुरंत डाल डीसीएस देती ग्रुप, हाँ थी सर। ओके और अभिषेक सर तो तुरंत ही रिप्लाई कर देते हैं, तुरंत उन्हें कुछ डाउट बताओ और तुरंत वो रिप्लाई कर देते, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ उससे। दैट्स वंडरफुल बच्चे, और मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस से भी, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड ही देखना प्रेफर करती थी। ओके आप मतलब जो रिकॉर्डिंग्स जो थी वो भी आप उसको भी देखते थे, प्लस जो लाइव क्लासेस हो रही थी उसे भी यस आप सर, रिकॉर्ड मिलेगा।
ठीक है बट आई वुड रादर सजेस्ट बाकी बचे। सो गाइस अंशिका वो टॉपर है ठीक है, वो कुछ थोड़ी एक आध मिस्टेक कर सकती है बट दिस इज नॉट फॉर यू गाइस ठीक है। लाइव क्लास जो है उसे आपको लाइव ही देखना है, क्यों? क्योंकि लाइव क्लास के टाइम पे ही अगर हमें कोई भी डाउट आ रहा है तो हम वो सारे डाउट जो है उसे वहीं के वहीं हम रिजोल्व कर सकते हैं ठीक है। ओके दैट्स ग्रेट बच्चे, दैट्स वंडरफुल। सो अंशिका थैंक यू, आपने इतनी सारी चीजें बताई हमें, इतने सारे पॉइंट पिन पॉइंट्स बताए। लास्टली मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो अभी नियर फ्यूचर में 2024 के 2025 के जो बच्चे ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो ये चीज जानना चाहेंगे आपसे कि व्हाट इज योर एडवाइस टू योर जूनियर्स, मतलब आपको जो मिरांडा में या फिर जो बच्चे आपको जो हिंदू कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, जो आप जो सेकंड ईयर में होंगे वो फर्स्ट ईयर में होंगे, आपके जो जूनियर्स होंगे उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, वो कैसे सीयूटी की प्रिपरेशन करे, तैयारी करे? एनसीईआरटी एनसीईआरटी को पूरा रट जाना है। मतलब मैंने खुद बताया, मैंने 3 4 बार बोर्ड्स के बाद मैंने उतना रीडिंग किया, तो ओके बोर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स को भी छोड़ना नहीं है। बोर्ड्स के साथ साथ आपको सीयूईटी का करना है, और मतलब छोटे से छोटे डिटेल्स जो एनसीईआरटी में लिखे, चाहे वो टाइमलाइन से हो, चाहे वो पिक्चर के नीचे छोटा सा भी डिटेल क्यों ना हो, उससे ठीक आपको छोड़ना नहीं है। है तो वो चीज बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि सीयूईटी वही पकड़ता है और वही से क्वेश्चन आते वही हैं। पकड़ता है वहीं से क्वेश्चन आता है। एंड उसके साथ साथ आप मॉक्स भी वो करना चाहोगे? यस हाँ अच्छा सर, मॉक्स अंशिका आपने ओवरऑल कितने मॉक्स दिए होंगे इन सर ईच ऑफ सारे द डोमेन? सब्जेक्ट्स को मिला करके 50 to 60 दिए हैं, सारे 50 to 60 मॉक्स आपने अटेम्प्ट किए हैं ठीक है, सब्जेक्ट मिला सारे के। सब्जेक्ट्स को मिला के। ओके अगेन तो दिस इज अंशिका, शी इज अ टॉपर, तो उसने थोड़े से कम भी दिए हैं, आपको पूरे देने हैं है ना। ओके अंशिका, सो अंशिका अगर आप मतलब आपके जो फ्यूचर जूनियर्स हैं जो आएंगे जो सीयूटी की तैयारी करेंगे उनको अगर आप कोई प्रॉपर 3 4 एडवाइस देना चाहें वो क्या होंगी, मतलब कि बस ये 3 4 एडवाइस इनको फॉलो कर लो। एक तो आप ऑफकोर्स बता चुके हो कि एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी इज आर मस्ट, उसके अलावा और एनसीईआरटी दो तीन एडवाइस जो आप देना चाहते हो? सुपर ग्रेड ज्वाइन करना, ओके सुपर ग्रेड ज्वाइन करना। गेस्ट पेपर जरूर देखना, मॉक्स जरूर करना, ओके और 1 पेज की नोट्स जरूर बनाना, वो बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के लिए भी। मतलब सीयूईटी के आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक रात पहले आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल एक सही। एक पेज के जो नोट्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। हैंडी मुझे नोट्स तो जिन्हें बोलते हैं, हैंडी नोट्स। ओके सो मतलब पूरा एक चैप्टर आपने एक पेज में उसको समराइज करके पूरा वहीं लिख दिया ठीक है, यस मतलब और फिर मतलब वो, और अगर एक पेज में आपने समराइज करके लिख दिया और 15 चैप्टर्स हैं तो मतलब मींस यू हैव टू रीड 15 पेजेस ओनली, मतलब यू कैन रिवाइज योर इंटायर सिलेबस 2 3 टाइम्स इन जस्ट 1 2 डेज। Yes. और वो सब नहीं लिखने जो ऑलरेडी मेमोराइज हो चुके हैं, वो ओके सब लिखना है जो आप बार बार पढ़ते समय वो भूल जा रहे हो कि ये तो नया लग रहा है, तो हाँ वो चीज आप जरूर लिखें। बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत अच्छी एडवाइस है। सो Yes. ऑल द जूनियर्स ऑफ अंशिका 24 में 25 में जो एग्जाम देंगे प्लीज, मतलब प्लीज डू नोट डाउन दीज थिंग्स जो भी यहाँ पे अंशिका ने बताई है, 787.2, मतलब ये मजाक नहीं है इतने नंबर लाना, इतने ज्यादा इतने हाई मार्क्स लेकर आना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अंशिका, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, एंड मतलब फिंगर क्रॉस कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो मिल जाए। अच्छा अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना होगा आप कौन सा चूज करोगे? हिंदू कॉलेज ओके हिंदू, ओके ओके मिरांडा सेकंड प्रेफरेंस बट अगर मिल रहा है तो सबसे पहले हिंदू मिल जाए। सर, ओके हिंदू कॉलेज पॉल साइंस बीए ऑनर्स है ना। यस सर, ओके दैट्स वंडरफुल वंशिका, थैंक यू अंशिका, थैंक यू फॉर दिस वेरी क्रिस्प थैंक यू। वेरी शॉर्ट इंटरव्यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपने जो लाखों बच्चे जो अगले साल सीयूटी में अपेयर होंगे, इस साल द नंबर वाज अराउंड 15 लाख बट वी आर अज्यूमिंग दैट नेक्स्ट ईयर 17 to 18 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर होंगे। सो थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस एंड फॉर दिस जेनरस इंटरव्यू। तो थैंक यू गाइस, सो दिस वाज द इंटरव्यू, ये अंशिका ने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं, प्लीज डू फॉलो दिस, इनको फॉलो करिए प्रॉपरली क्योंकि ये आपको फर्दर 24 में और जो बच्चे 2025 में लिखेंगे उनको ये जरूर हेल्प करेंगे ठीक है। सो मिलेंगे हम फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक से हम यहाँ पे चीजों को समझेंगे, बात करेंगे, तब तक लिए बाय बाय गाइस।